हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस और करेक्शन को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें, सारी चीज़ों को समझें। इसके बावजूद, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है बाद में, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, एक रेड कलर में दिख रहा होगा डाटा, एक यहाँ पर ब्लू कलर में डाटा दिख रहा होगा, इनका फॉरवर्डेड डेट दिख रहा होगा और यहाँ पर इनके करेंट स्टेटस में क्या समस्या है, मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट, यानी कि जो मार्क्स वगैरह आपने भरा है वो मिसमैच है, वो गलत तरीके से है, चाहे आपने भरा हो चाहे इंस्टीट्यूट ने फॉरवर्ड किया हो। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड दिख रहा होगा और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में दिख रहा होगा, इसको भी लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है। सबसे पहले मैं जो पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़े से डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूँ। जितने भी पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे कहिए कि कक्षा 11-12 या फिर उससे ऊपर की कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के या फिर ऐसे कहिए कि एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, जितने भी कोर्स हो गए 11-12 या फिर उससे ऊपर के जितने भी कोर्स हो गए, तो उन सभी का जो स्टेटस है वो आज कल या फिर परसों में कभी भी रिलीज हो सकता है। आपको मालूम है कि आपके जो करेक्शन की डेट है 12 से लेकर के 15 के बीच में है, तो आपका स्टेटस 10 को भी आ सकता है, 11 को भी आ सकता है, हो सकता है कि आपका जो स्टेटस है वो 12 तारीख को आए और उस हिसाब से आपको करेक्शन वगैरह कराना है। तो आई होप कि जो पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, वो जाकर के लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। अब चूंकि इतने व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगते हैं कि सभी का रिप्लाई देना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको भी मालूम है कि अभी जो काम चल रहा है वो प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों का चल रहा है, उनका करेक्शन वगैरह हो रहा है, उनका स्टेटस रिलीज हो गया, उनका करेक्शन वगैरह हो रहा है। तो ये जो स्टेटस दिख रहा होगा आपका, ये आपके कक्षा 9-10 के यानी कि प्री मैट्रिक के बच्चों का है। पोस्ट मैट्रिक का जैसे रिलीज होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा, करेक्शन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बारे में पूछ भी रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके लॉगिन में चलते हैं। लॉगिन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, तो यहाँ पे अगर आप नीचे भी आएंगे तो नीचे भी ये डाटा आपका मेंशन होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो चीज़ दिख रहा होगा, प्लीज इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए लगाए हैं इसको देख लेंगे वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर वैलिड नहीं होते हैं, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर वैलिड नहीं होते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब इनके स्टेटस में चूंकि इनका देखिए क्या हुआ था, करेक्शन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो ये जो पहले वाला है जब आपने पहले फॉर्म फिलअप किया था, और ये देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें इस बार का है जो इन्होंने संशोधन किया है। ठीक है, आपने भी अपना अगर प्री मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे तो अगर आपका भी करेक्शन वगैरह संशोधन वगैरह करना होगा तो आपने कर लिया होगा। अब कर लिया होगा तो यहाँ पे आपने इन्होंने कर लिया है और यहाँ पे शिक्षा संस्था में जो आपका फाइनल प्रिंट होता है वो भी निकल जा रहा है काफ़ी जल्दी इस बार, क्योंकि जो करेक्शन वगैरह होता है ना तो इसमें कभी कभी तो एक ही दिन में निकल जाता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करेंट स्टेटस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस में इस प्रकार से आपका दिखाएगा, कुछ ब्लू करके दिखाएगा यहाँ पे। तो ये तो अभी मार्क्स मिसमैच आपने करेक्शन किया है, तो यहाँ पे जो दिखाएगा तो ये देखिए क्या है, संदेहास्पद डेटा को संशोधित के समय शिक्षा संस्थान स्तर पर आवेदन पत्र की स्थिति 2023-24, यानी कि जब आपने पहली बार फॉर्म को फिलअप किया था तो मान लीजिए कि आपका ये जो डाटा हो गया गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, ये तो गलत हो गया था, मार्क्स मिसमैच की समस्या आ गई थी। अब जब आपने करेक्शन किया है तो करेक्शन तो आपने कर दिया, अब आप हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करेंगे, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ जैसे पहली बार आपने जमा किया था वैसे जमा करेंगे, तो फिर से आपके कॉलेज लेवल से वेरीफाई होगा। ठीक है, कॉलेज लेवल से वेरीफाई होगा और कॉलेज लेवल का स्टेटस डेट दिख जाएगा, और जैसे ये दिखा रहा है उसी प्रकार से जब आप कॉलेज में सारे डाटा को सबमिट कर देते हैं फिर से दोबारा, तो उसी प्रकार से आपका दोबारा वेरीफिकेशन होगा और उसके बाद से फिर आपका ये जो मेन स्टेटस है, करेक्शन के बाद वाला स्टेटस है, वो रिलीज हो जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है कि सर मेरा क्यों यह ब्लू कलर में दिखा रहा है, दो बार स्टेटस दिखा रहा है। तो ये अगर आपने करेक्शन कराया होगा तो करेक्शन कराने की स्थिति में एक आपका ब्लू कलर का ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा और इसमें अभी दिखाएगा पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपने तो करेक्शन कर दिया, अब ऑनलाइन तरीके से कर दिया जो फाइनल प्रिंट निकला है और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे आपने पहली बार जमा किया होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करेंगे, फिर कॉलेज वाले फिर से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके फिर से आपके DWO लेवल पर यानी कि आगे की ओर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजेंगे और फिर से वहाँ से वेरीफाई होगा, जैसे पहली बार चलता आ रहा है, पहली बार आपने जमा किया था वैसे वेरीफिकेशन होता, वैसे अब आपने अगर करेक्शन कराया है तो वैसे फिर से आपका कॉलेज से वेरीफिकेशन होगा, फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफिकेशन होगा। तो अभी फिलहाल में आपका जो स्टेटस है चेक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाएगा, तो इसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो मार्क्स मिसमैच की समस्या है, अब जब वेरीफिकेशन का कार्य होगा तो फिर से अपडेट होगा आपका स्टेटस, तो ये सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और जिनके में अटेंडेंस लेस देन 75% की समस्या आ रही है उसका कोई समाधान नहीं, आपके कॉलेज वालों ने आपका अटेंडेंस यानी कि आपकी उपस्थिति कम भर दी है और इसका आपका ना करेक्शन हो सकता है और ना ही कॉलेज से मैनेज हो सकता है।
चुका है क्योंकि कॉलेज का पोर्टल बंद हो गया है। जो कॉलेज से वेरिफिकेशन का कार्य है उसका पोर्टल बंद हो गया है। अब देखिए करेक्शन वगैरह में ओपन होता है, कोई सोल्यूशन होता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। अब कोई अगर आपके मन में डाउट्स वगैरह रह गए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।